अमेरिका ने भारत में बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा पर चिंता जताते हुए भारत सरकार से कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करें। भारत में गोमांस का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ कथित हिंसा की घटनाएं और मध्य प्रदेश में भैंस का मांस ले जा रही दो मुस्लिम महिलाओं के साथ मारपीट की घटना से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, सभी तरह की असहिष्णुता से मुकाबला करने और धार्मिक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश में हम भारत सरकार और नागरिकों के साथ हैं। यूपी में गरमाते चुनावी माहौल और दलित वोटों की खींचतान के बीच केंद्र सरकार के राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मायावती पर निशाना साधा है। अठावले ने जोरदार हमला करते हुए बोला है कि मायावती बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति तो करती है लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली मायावती ने अभी तक बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि मायावती हिंदू है यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दलितों के हितों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि दलितों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी दलित विरोधी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि गोहत्या रोकने के लिए 6 माह के भीतर कानून बनाया जाए। शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को ये आदेश जारी किए। इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी हाईकोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। उसके अलावा हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा पशु हटाने, उनके लिए गोस्तन बनाने और घायल पशुओं के इलाज सहित अन्य कई आदेश दिए थे। इसी सिलसिले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र सरकार को भी गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए 6 माह के भीतर कानून बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। मायावती को गाली देने के आरोपी बीजेपी के बर्खास्त उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। दयाशंकर को कल रात 9 कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया। दयाशंकर सिंह ने जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री से बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। गिरफ्तारी के बाद दयाशंकर ने खुले तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि उनकी परिवार के हर सदस्य के साथ अन्याय किया गया है, उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, ऐसे में सरकार उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। गौरतलब है कि दयाशंकर की पत्नी की ओर से ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। देश के 10 राज्यों में बारिश ने कहर मचा रखा है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, असम सहित 10 राज्य इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तरी राज्यों सहित राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कुछ क्षेत्रों सहित हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में बारिश लगातार जारी रहेगी। सुबह होते ही फिर दिल्ली में जाम लग गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर दी करीब आधा दर्जन इलाकों की जानकारी। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर भयंकर जाम लग रहा है। वहीं अहमदाबाद बाढ़ से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश में लोगों के लिए रोप वे का सहारा है तो कर्नाटक के बेंगलुरु में राहत बचाव अभियान शुरू हो गया है। असम सहित पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी बदहाली का आलम है। पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज पर एशिया के बाहर सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज कर वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज में एक से ज्यादा मैच जीत अपना रिकॉर्ड बेहतर करने पर लगी है। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को ओपनर मुरली विजय के दूसरे टेस्ट से भी बाहर होने के बाद बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक सलामी बल्लेबाज मुरली विजय अंगूठे की चोट की वजह से दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। विजय को श्रृंखला के पहले ही दिन सुबह शेनोन गैब्रियल की गेंद अंगूठे में लगी थी। वे वेस्टइंडीज की दोनों पारियों में फील्डिंग के लिए नहीं उतरे। दूसरे टेस्ट की टीम में दूसरे सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को मौका दिया गया है। राहुल ने टेस्ट श्रृंखला से पहले दोनों अभ्यास मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की थी। पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत भारत के हाथ लगे हैं। पठानकोट एयरबेस हमले में पाकिस्तानियों के शामिल होने को लेकर दी जा रही भारत की दलीलों को इससे काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। पठानकोट हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अमेरिका ने 1000 पन्ने का डोजियर सौंपा है। एक खबर के मुताबिक इस डोजियर में हमले को लेकर जैश ए मोहम्मद के सरगना कासिफ जान की 4 फिदायिनों से हुई बातचीत भी रिकॉर्ड है। 2008 में मुंबई धमाके से पहले लश्कर के आतंकियों के बीच हुई बातचीत की तरह इस
रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है। उस दौरान भी लश्कर के सरगना कराची से ही मुंबई धमाके की साजिश कर रहे थे। पठानकोट हमले के दौरान जैश मोहम्मद के चारों फिदायीन पाकिस्तान स्थित पंजाब का नासिर हुसैन, गुजरांवाला का अबू बकर और सिंध प्रांत का उमर फारूक और अब्दुल कयूम लगातार 80 घंटे तक पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में थे। केंद्र सरकार ने 7वें पे कमीशन की सिफारिशों पर अमल लाते हुए कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी के साथ पूरा बकाया राशि अगस्त की तनख्वाह के साथ देने का ऐलान किया है। दरअसल 1 जनवरी से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त महीने का वेतन और साथ में जनवरी से जुलाई तक का वेतन बढ़ोतरी की बाकी रकम भुगतान किया जाएगा। वित्त मंत्रालय इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसके बाद कुछ मसलों पर कर्मचारी संगठनों और सरकार में बातचीत हुई और फिर वित्त मंत्रालय ने अगस्त महीने के वेतन के साथ बाकी राशि भी देने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि कैबिनेट ने 29 जून को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। 7वें वेतन आयोग का करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में धोखाधड़ी का अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव के करीबी को लगभग 80,000 रुपए का चूना लगा दिया। ये सब उसने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम लेकर किया। बीजेपी के विधायक मोहन यादव के पास 27 जुलाई को एक फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने खुद को अमित शाह का भांजा विराज शाह बताकर अपने साथ हुई लूट की कहानी सुनाई। बीजेपी विधायक मोहन यादव ने भी मामले को गंभीरता से लिया और अपने एक सहयोगी और पार्टी कार्यकर्ता नरेश शर्मा को GRP थाने भेज दिया। विधायक ने शख्स की बातों में आकर 80,000 रुपए विराज को देने को कहा। बाद में जानकारी मिलने के बाद विधायक ने उज्जैन के माधव नगर पुलिस थाने में 80,000 रुपए की ठगी की शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हफ्ते भर से लापता विमान AN-32 का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। भारत सरकार ने विमान की तलाश के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिकी रक्षा बलों से इस बात की मदद मांगी जा रही है कि क्या उनके उपग्रहों ने 22 जुलाई को कुछ सिग्नल पकड़े थे। 22 जुलाई को ही 29 लोगों को ले जा रहे ये विमान लापता हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारे उपग्रहों के चित्रों के अलावा हमने अमेरिका से उनके चित्रों के लिए कहा है, ताकि अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों की इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी का पता चल सके। परिकर ने यह भी कहा कि इस बात की आशंका कम है कि एयरक्राफ्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई होगी। इस बीच AN-32 विमान में सवार एयरमैन रघुवीर वर्मा के परिजनों ने दावा किया है कि शुक्रवार सुबह रघुवीर के मोबाइल फोन पर रिंग हुआ है। परिवार का कहना है कि रघुवीर का एयरटेल नंबर ऑन था और इस पर कई बार घंटी बजी है। 8 अगस्त से आप दिल्ली से रेलगाड़ी में सवार होकर सीधे अगरतला जा सकेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना में ये एक और कड़ी होगी। त्रिपुरा और दिल्ली के बीच रेलवे यातायात की शुरुआत 31 जुलाई को रेल मंत्री सुरेश प्रभु हरी झंडी दिखाकर करेंगे। 31 जुलाई को रेल मंत्री प्रभु त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से एक साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना करेंगे। इस साप्ताहिक ट्रेन का नाम आनंद विहार अगरतला त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस होगा। त्रिपुर सुंदरी एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल और अगरतला के बीच हर सप्ताह चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल अगरतला त्रिपुर सुंदरी वीकली एक्सप्रेस हर सोमवार को 8 अगस्त से चला करेगी। रात को 11:55 पर यह ट्रेन आनंद विहार स्टेशन से रवाना होकर अगले दिन रात को 11:45 पर अगरतला पहुंचेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लखनऊ में एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कार्यकर्ता लगातार सवाल पूछे जा रहे थे और मन से राहुल उनका जवाब दे रहे थे, लेकिन राहुल के एक जवाब ने सबको हैरान कर दिया। अखिलेश को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि अखिलेश ठीक लड़का है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। दरअसल कार्यकर्ताओं की भीड़ तो सुबह से जमा हो गई थी, लेकिन दोपहर के वक्त तेज बारिश में सारे इंतजाम दम तोड़ते नजर आए। राहुल गांधी के पहुंचने तक बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन मंच पर उनका स्वागत करने वाले सभी नेता ऊपर से नीचे तक भीगे हुए थे। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और उनके सवालों के एक के बाद एक जवाब करीब 1.5 घंटे तक दिए।
जम्मू कश्मीर के उत्तरी कश्मीर में हुई मुठभेड़ में जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी शफुल्ला बहादुर अली ने जांच एजेंसियों की पूछताछ में कई नए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ में बहादुर अली ने बताया कि उसे लश्करे तैयबा के सरगना हाफिज से दो बार मिलने का मौका मिला था। शफुल्ला बहादुर अली ये भी बताया कि उसे भारतीयों से बेइंतहा नफरत है, वो उन्हें मारने आया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत अब एक डोजियर के जरिए सैफुल्ला बहादुर अली के इस कबूलनामे को पाकिस्तान के समकक्ष अलग से सार्क देशों के गृह मंत्री की मीटिंग के दौरान उठा सकता है। जब एनआईए ने पूछा कि आपका अमीर कौन है तो बहादुर अली ने कहा, चाचा जानकारी के मुताबिक चाचा कोई और नहीं हाफिज सईद है। पंजाब सरकार के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिस पर शुक्रवार को कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दे दी। अब अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इस फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा, पंजाब इलेक्शन में 6 महीने बचे हैं, मुझे अरेस्ट कर ले नहीं तो मैं मजीठिया को गिरफ्तार करवाऊंगा। बता दें कि केजरीवाल और मजीठिया अपने अपने सपोर्टर्स की भारी भीड़ के साथ कोर्ट पहुंचे। आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब दौरे के दौरान केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीएस मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल होने के सबूत है, इसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके बाद नाराज मजीठिया ने केजरीवाल, पंजाब प्रभारी संजय सिंह और आशीष खेतान के खिलाफ केस किया था, जिस पर कोर्ट ने केजरीवाल और संजय को 40,000 के बांड पर बेल दे दी। वही आशीष तबीयत खराब होने की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच सके। भारतीय सेना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विवादास्पद 31 मंजिली आदर्श सोसाइटी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। एक अधिकारी ने बताया कि सैन्य अधिकारियों का एक दल बंबई हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ कोलाबा स्थित इस गगनचुंबी इमारत को आदर्श सोसाइटी से अपने कब्जे में लेने और सुप्रीम कोर्ट में लंबित सोसाइटी के मामले के दौरान किसी भी अतिक्रमण या तोड़फोड़ से सुरक्षित करने के लिए इमारत स्थल पहुंचा। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में आदर्श सोसाइटी की ओर से दायर एक विशेष अनुमति याचिका के निपटारे तक आदर्श सोसाइटी इमारत को कब्जे में ले लिया जाए। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना इस इमारत को आदर्श सोसाइटी से अपने कब्जे में ले रही है ताकि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और इस पर कोई अतिक्रमण न कर। चिंकारा का शिकार करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अभिनेता सलमान खान को बरी किए जाने के 2 दिन बाद मामले के एक मुख्य गवाह ने राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया से पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। मुख्य गवाह हरीन तुलानी ने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उसने कहा है कि उसे और उसके परिवार वालों को अज्ञात व्यक्तियों की ओर से जान का खतरा है, उसे और उसके परिवार को पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अपने वकील अनिल गौर के जरिए कटारिया को भेजे गए पत्र में जुलानी ने कहा कि सलमान को बरी किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद से कुछ अज्ञात लोग उसके और उसके घर के आसपास देखे गए हैं और ये लोग उस पर तथा उसके परिवार वालों पर नजर रख रहे हैं।